इस्लामाबाद में पीटीआई के एहतजाज के दौरान इस्तेमाल होने वाली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मशीनरी, रेस्क्यू की गाड़ियों और सरकारी एहलकारों को इस्लामाबाद पुलिस ने तहवील में ले लिया। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक इन सबको बतौर गवाह अदालत में पेश किया जाएगा। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है की पीटीआई के एहतजाज के दौरान वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी मशीनरी और अमले के जरिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई की थी। जराये के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की रेस्क्यू की 17 गाड़ियाँ, 6 एम्बुलेंसेज, 7 फायर टेंडर्स, 3 वाटर बाउजर और 1 क्रेन को तहवील में लिया गया है। ये रेस्क्यू गाड़ियाँ और मशीनरी मरदान, चारसदा, पेशावर, बाजोड़, दीर, सवात और स्वाबी से मंगाई गई थीं। जराये के मुताबिक एहतजाज के दौरान इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा के 64 रेस्क्यू एहलकार, 24 पुलिस एहलकार और TMA पेशावर के 8 एहलकारों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस ने एहतजाज के दौरान मजमुई तौर पर 240 मिलियन रुपए के नुकसान का दावा किया है। IG ऑफिस इस्लामाबाद ने नुकसान की रिपोर्ट चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भिजवा दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि एहतजाज के दौरान 14.5 करोड़ रुपए मालियत के 441 सेफ सिटी कैमरों को नुकसान पहुंचा। पुलिस की 10 गाड़ियों, 31 मोटरसाइकिलों, 51 गैस मास्क को भी नुकसान पहुंचा। मुजाहिरीन ने 3 निजी गाड़ियों और 1 क्रेन को भी नुकसान पहुँचाया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक एहतजाज के दौरान इस्लामाबाद पुलिस का 1 एहलकार शहीद और 31 जख्मी हो गए थे।